जीव पहले भगवान की कृपा से अपने पुण्य पूर्व जन्म के पुण्य के फलस्वरूप सत्संग में आता है, उसका पुण्य उसे प्रेरित करता है अथवा भगवान की विशेष कृपा होती है, तब वह सत्संग में आता है। और सत्संग में आकर उसे क्या मिलता है तो कहते हैं सत्संगात भव निस्पृहो। सत्संग में आकर के उसे निस्पृहता होती, बार बार सत्संग करते करते धीरे धीरे संसार से वो निस्पृह होने लगता है, संसार से उसे वैराग्य होता है। सत्संगात भव निस्पृहो, और जब निस्पृह होता है तब वो सोचता है भगवान के चरणों में मैं कैसे पहुंचूंगा, तो सत्संग में ही उसे गुरु की महिमा सुनने को मिलती है कि कोई सद्गुरु मार्गदर्शन करेंगे, और सत्संग में ही कहीं न कहीं उसे कोई सद्गुरु मिल जाते हैं। सत्संग से निष्प्रियता और निष्प्रियता के बाद सद्गुरु की प्राप्ति। सत्संगात भव निष्प्रियो गुरु मुखात श्री शं प्रपद्यात्मवान। और तब आचार्य के द्वारा गुरु के द्वारा वह भगवान की शरणागति करता है। भगवान की शरणागति आचार्य के द्वारा होती, गुरु के द्वारा होती। गुरु आचार्य शरणागति में माध्यम बनता है, तभी शरणागति भगवान स्वीकार करते। जैसे न्यायालय में आपको न्याय प्राप्त करना हो तो आप डायरेक्ट न्यायालय में चले जाओ और जाकर के न्यायाधीश के सामने खड़े हो जाओ, कहो भाई न्याय करो हमारा। न्यायाधीश कहेगा इस आदमी को गेट के बाहर करो। क्यों भाई, हम तो न्याय प्राप्त करने आए हैं। बोले प्राप्त करने आए हो तो न्याय प्राप्त करने का जो तरीका है उस तरीके से आओ। तरीका क्या है? बोले किसी वकील के माध्यम से, किसी एडवोकेट के माध्यम से जो अधिकृत हो, जिसे कानून का ज्ञान हो, उसके माध्यम से जब तुम्हारी याचिका यहां प्रस्तुत की जाएगी तब विचार होगा, उसके पहले विचार नहीं। आचार्य कौन है? बोले आचार्य ही वो एडवोकेट है, वह वकील है जो भगवान के दरबार में उस जीव की वकालत करता है। तो वकील कैसा हो? बोले वकील वही होता है जिसको कानून की धाराओं का ज्ञान हो, संविधान का ज्ञान हो। खाली काली कोट पहनने से कोई वकील नहीं हो जाता, उसी प्रकार लाल पीला कपड़ा पहनने से कोई गुरु नहीं हो जाता, ये बहुत कटु सत्य है। उसे भगवान के संविधान का ज्ञान हो। भगवान का संविधान क्या है? बोले भगवान का संविधान ही शास्त्र है, वेद पुराण श्रुति स्मृति, ये परमात्मा का शाश्वत संविधान है। इस संविधान की समस्त धाराओं पर उसने विचार किया हो, चिंतन किया हो, और तब वो भगवान के सामने शिष्य के पक्ष को रखता है, अपने मुवक्किल के पक्ष को रखता है। जैसे वकील को संविधान का ज्ञान हो, लेकिन संविधान के ज्ञान के साथ साथ उसके पास वकालत की डिग्री हो, वकालतनामा हो, उसी प्रकार केवल काली कोट पहन लेने से और संविधान का ज्ञान होने से भी वो न्यायाधीश के सामने बोलने का अधिकारी नहीं होगा। उसी प्रकार से केवल लाल पीला कपड़ा पहन लेने से और शास्त्र पढ़ लेने से भी वो भगवान के दरबार में पक्ष रखने के योग्य नहीं है, जब तक उसके पास प्रमाण पत्र न हो। प्रमाण पत्र क्या है? बोले परंपरा से वो स्वयं दीक्षित हो और संप्रदाय के ज्ञान से युक्त हो, ऐसा जब उसका प्रमाण होता है तब उसके माध्यम से भगवान के सम्मुख उसकी बात रखी जाती है। इसीलिए कहा कि ऐसे आचार्य के द्वारा भगवान की जब शरणागति होती है तो वकील क्या करता है? बोले कोई बहुत भयंकर केस हो तो वकील क्या करता? बोले पुराने रिकॉर्ड ढूंढता है, इस तरह का कोई मुकदमा पहले भी आया हुआ हो और उस मुकदमे में किसी न्यायालय ने कोई निर्णय सुनाया हो, तो वो निर्णय नजीर बन जाती है।
वो नजीर होती है, उस नजीर के रखने पर वकील कहता है साहब इसी प्रकार का मुकदमा बहुत पहले आया था और तब उस मुकदमे में ऐसा निर्णय हुआ था, आज भी यही परिस्थिति है इसलिए आज भी ये निर्णय ऐसा हो सकता है। तो गुरु क्या करते हैं, बोले गुरु भी यही कहते हैं प्रभो आपके दरबार में ऐसे बहुत मुकदमे आए और बड़े बड़े पापियों का आपने उद्धार किया है, वेद में पुराण में सारी नजीरें भरी पड़ी हैं, उन नजीरों की मैं दुहाई देता हूं, आज अगर ये पापी आपकी शरण में आया है तो आपको इसका उद्धार करना ही पड़ेगा, और तब भगवान उसकी नजीर को स्वीकार कर लेते हैं। यह आचार्य की भूमिका है। तो आचार्य के द्वारा भगवान की जब शरणागति होती है, सत्संगात भवन स्प्रिहो गुरुमुखात श्री संप्रपद्यात्मवान, और जब जीव भगवान की शरणागति कर लेता है तो शरणागति करने पर भगवान उसके संपूर्ण संचित पाप पुण्य दोनों को समाप्त कर देते हैं, क्योंकि पाप और पुण्य दोनों बंधन का कारण है। पाप लोहे की जंजीर है और पुण्य सोने की जंजीर है। किसी पक्षी को लोहे के पिंजड़े में बंद कर दो वो बंधन का अनुभव करेगा, और सोने के पिंजड़े में बंद कर दो तब भी वो बंधन का ही अनुभव करेगा। ये थोड़ी है कि सोने के पिंजड़े में बंद होकर के वो सुखी हो जाए। उसी तरह पाप और पुण्य ये दोनों बंधन हैं। वेदांत में उपनिषद में कहा गया यदा पश्य पश्यते रुक्म वर्णम, यह जीवात्मा जब ज्ञान प्राप्त करके उस परमात्मा का साक्षात्कार करता है तो पुण्य पापे विधूय निरंजन परमम साम्य मुपैति, उसके पुण्य और पाप दोनों साफ हो जाते हैं। पुण्य पापे विधूय, पुण्य पाप दोनों समाप्त हो जाते हैं। तो भगवान की शरणागति करने पर जीव के पुण्य और पाप दोनों भगवान की कृपा से समाप्त हो जाते हैं। कौन से पुण्य पाप, बोले अनंत अनंत जन्मों के संचित पुण्य और पाप, जिनके कारण बंधन होता है, जिनके कारण अनेक जोनियों में जीव को भ्रमण करना पड़ता है, वे पुण्य पाप जीव के भगवान के द्वारा समाप्त कर दिए जाते हैं। इसी को गीता में भगवान ने कहा अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्व पापेभ्यो का मतलब केवल पाप ही नहीं है, टीकाकार आचार्यों ने अनुभव किया कि सर्व पापेभ्यो का मतलब कर्मेभ्यो अर्थात पुण्य पाप दोनों कर्मों का भगवान समापन कर देते हैं। वहां पापेभ्यो का मतलब केवल पाप मात्र नहीं है, वो सारे कर्म जो जीव के लिए प्रतिबंधक हैं उन सारे कर्मों को भगवान मिटा देते हैं, संचित कर्मों को भगवान मिटा देते हैं और प्रारब्ध भगवान छोड़ देते हैं। प्रारब्ध तो बहुत छोटा है, 10,000 करोड़ में से 100 रुपए निकाल लो तो 10,000 करोड़ में से 100 रुपए की क्या कीमत है? 10,000 करोड़ का मतलब अनेक अनेक जन्मों के जो पाप पुण्य है वो तो 10,000 करोड़ से भी ज्यादा है, लेकिन उसमें से 100 रुपए वो प्रारब्ध है जो हम अपने इस जीवन में लेकर के आए, और उसी प्रारब्ध के अनुकूल शरीर मिला, उसी प्रारब्ध के अनुकूल आयु मिली, उसी प्रारब्ध के अनुकूल संसाधन मिले, उसी प्रारब्ध के अनुकूल माता पिता मिले, उसी प्रारब्ध के अनुकूल हमें समाज मिला, वातावरण मिला, सब कुछ प्रारब्ध के इर्द गिर्द घूमता है। उस प्रारब्ध को भगवान समाप्त नहीं करते, भगवान कहते हैं तुम प्रारब्ध भोग करके समाप्त कर लो, क्योंकि ये जीवन जब तक है तब तक प्रारब्ध है और जब तक प्रारब्ध है तब तक जीवन है। तो अब जीवन पा चुके हो तो जब तक ये जीवन है इसे जी लो, और इसके जीते जीते तुम्हारा प्रारब्ध भी समाप्त हो जाएगा और बाकी तो हमने खत्म ही कर दिया है, अब तुमको कोई बंधन नहीं। इसीलिए प्रारब्ध सबको भोगना पड़ता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भी अपने प्रारब्ध को भोगते हैं, इस जीवन में जितना लेकर के आए हैं उतना तो भोगना ही पड़ेगा। प्रारब्धम परिभुज्य कर्म सकलम, सत्संग के द्वारा, निष्प्रियता के द्वारा गुरु का अन्वेषण और गुरु के अन्वेषण के पश्चात भगवान की शरणागति,
भगवत शरणागति के बाद संचित कर्मों का नाश और संचित कर्मों के नाश के बाद प्रारब्ध को सुखपूर्वक भोग लेना। प्रारब्धम परिभुज्य कर्म शकलम प्रक्षीण कर्मांतरः। इस विधि से जीव कर्म से विमुक्त होता है और जब शरीर छोड़ने का समय आता है तो शरीर छोड़ते समय उसे भगवान के स्मरण की भी आवश्यकता नहीं पड़ती।